Hi friends, welcome back to my channel. आज मैं आपको वेस्टेज माइक्रेम से क्लच किस तरह से बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ. और उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने एक पोल रखा था हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो मुझे बहुत से कमेंट आए हिंदी के लिए, तो मैं हिंदी में ही वीडियो बनाऊँगी. और आपके सजेशन मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें, और कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए. तो हमें क्लच बनाने के लिए चाहिए वेस्टेज माइक्रेम. ये मेरे पास बहुत से कलर थे, उनमें से मैंने ये 7-8 कलर लिए हैं. आपके पास जो कलर अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं. और अपने क्लच के लिए हमें चाहिए इनर, तो मैंने यहाँ 1/2 मीटर इनर लिया है, और ये जिप ट्रैक और जिप, और एज यूजुअल लाइटर और सीजर. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉर्ड किस तरह से ज्वाइन करते हैं वो सिखाऊंगी, क्योंकि हम ये वेस्टेज से बना रहे हैं. तो मेरे पास 1/2 मीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा या फिर कम इस तरह से कॉर्ड बचते हैं. तो ये बहुत मतलब बड़े होते हैं तो फेंकने का मन नहीं करता है, तो आज हम इसे से क्लच बनाएंगे. तो देखिए मेरे पास ये 1/2 मीटर के कॉर्ड हैं, तो मैं इसे इस तरह से जलाकर स्टिक कर लूँगी लाइटर की सहायता से. हाथों से, हल्के हाथों से इसे थोड़ा प्रेस करना है. तो देखिए इस तरह से ये हमारी कॉर्ड ज्वाइन होगी, और इसी तरह से सारे कॉर्ड हमें ज्वाइन कर लेने हैं. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास बहुत ही कम मतलब शॉर्ट में कॉर्ड होगी तो आप प्लीज़ उसे मत लीजिए, क्योंकि ये बनाते वक्त आपको ही इससे बहुत परेशानी होगी. इसलिए हो सके उतने लंबे कॉर्ड लीजिए इसके लिए. तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले रेड कलर का कॉर्ड लिया है, और ये कॉर्ड हमारे 2 मीटर के हैं. इसे हम इस तरह से हाफ कर लेंगे. ये राउंड जो लूप होता है इसे हाथ में पकड़ेंगे. ठीक उसी तरह से दूसरा कॉर्ड भी हम हाफ कर लेंगे. और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया है बैक के, उसी तरह से हमें कॉर्ड अटैच करनी है. यहाँ पे हमें सिंपल स्क्वायर नॉट लगाना है. हल्के हाथों से इसे खींच कर ये हम नॉट कंप्लीट करेंगे. उसके बाद में ये जो राउंड होता है इसे हल्के से नीचे की तरफ खींचेंगे, तो ये हमारी कॉर्ड अटैच हो गई. मैं आपको और एक करके बताऊंगी, फिर भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें भी मैंने ये डिटेल में दिखाया है. तो देखिए इस तरह से ये कॉर्ड मैंने जॉइन कर ली है. अब हमें इसे एक दूसरे से अटैच करना है. सारे कॉर्ड को मतलब कलरफुल जो कॉर्ड हमारे उसे इसी तरह से जॉइन कर लेना है. उसके बाद में हम इसे एक दूसरे से इस तरह से अटैच करेंगे. देखिए इसके जो 2 कॉर्ड होते हैं उसे लेंगे, और इस साइड से इसके 2 कॉर्ड लेंगे, और यहाँ पर स्क्वेयर नॉट लगाएंगे सिंपल.
तो देखिए ये अटैच हो गया, ऐसे ही मैंने यहाँ पे बना के रखा है। अब देखिए इसे इसी तरह से हम अटैच करते हुए हमें जितनी इसकी चौड़ाई चाहिए वहाँ तक हमें कॉर्ड अटैच करने हैं, कलरफुल कॉर्ड अटैच करिए या फिर आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई में इतनी रखूँगी क्योंकि ये क्लच है, क्लच की चौड़ाई ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है, तो मैं इसलिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा रख रही हूँ। और इसमें मुझे मैंने जो कॉर्ड यूज़ किए हैं वो टोटल कॉर्ड मेरे 52 है। मैं एक एक कलर के कॉर्ड आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत से कलर यूज़ किए हैं, तो टोटल जो कॉर्ड है मेरे 52 है। अब हम इसे राउंड शेप में ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके लिए यहाँ के जो दो कॉर्ड होते उसे लेंगे और दूसरे साइड से दो कॉर्ड दोनों को मिला के यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा राउंड सर्कल बन के रेडी है। अब जो है हमें नीचे से नॉट स्टार्ट करने हैं। तो हमने जो कॉर्ड ऊपर अटैच किए हैं तब वहां पे ऑटोमेटिक एक नॉट की लाइन बन चुकी है, और दूसरी जो नॉट की लाइन है जो हमने कॉर्ड अटैच किए तब ये ऑटोमेटिक सेकेंड लाइन भी बन चुकी है। अब हम थर्ड लाइन एक सिंपल नॉट की लगा लेंगे, उसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से सिंपल नॉट लगाते हुए ये पूरा सर्कल हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये तीन लाइन नॉट लगा के कंप्लीट किया है। अब कोई भी एक यहाँ पे नॉट लेंगे हम, कोई भी एक लीजिए, उसमें से ये जो चार कॉर्ड आते हैं उसमें से हम पहले हाफ कर देंगे कॉर्ड को, उसके बाद में जो यहाँ का साइड है उसे हम इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर से इस वाला जो पोर्शन है उसे हम डालेंगे इस तरह से। ठीक इसी तरह ये सेकेंड वाला कॉर्ड जो हमारा बचा है उसे लेके सेम डिजाइन। यहाँ पे भी हमें सेम उसी तरह करना है दो पार्ट में, उसके बाद में यहाँ से एक कॉर्ड लेके अब जो यहाँ पे ये जो दो ऑरेंज कॉर्ड है इनको हम इसके ऊपर से लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा रेड वाला लास्ट कॉर्ड है इसे लेके ये प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे। Thank you.
अलग अलग कलर की डिज़ाइन बनके तैयार होती चली जाएगी जैसे आप ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाई है उसी तरह से कंटिन्यू हमें ये पूरा सर्कल इसी प्रोसीजर को रिपीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी हाइट यहाँ तक रखी है और इसकी लंबाई मैंने बढ़ा दी क्योंकि ये क्लच है और ये मेरा बनके पूरा रेडी है। अभी हमें इसकी एंडिंग करनी है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी मतलब हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जैसे जैसे हम यहाँ पे कॉर्ड दूसरे लेते गए वैसे वैसे ये बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन जहाँ तक आपको इसकी हाइट चाहिए वहाँ तक इसे लाकर आप एंड कर दीजिए। उसके बाद वाले जो दो दो कॉर्ड होते हैं, देखिए यहाँ पे ये अलग कलर का है, ये दो अलग कलर के, इस तरह से दो दो कॉर्ड जो आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज पे इसे एंड किया, तो मैंने दूसरे जो दो कॉर्ड आते हैं उसे मैंने ग्रीन पट्टे पर ही एंड किया है। उसके बाद में थर्ड जो कॉर्ड आते हैं, देखिए ये, इसे मैंने कॉफ़ी कलर के पट्टे पर एंड किया है। ऐसे एक एक पट्टा कम करते हुए हमें ये एंड करना है। उससे क्या होगा कि ये पूरा सरफेस एक लेवल में आ जाएगा और हमें इसकी ठीक से हाइट मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे नीचे ये जो गैप होता है ट्रायंगल टाइप में, देखिए यहाँ पे गैप है, उसे हम नॉट लगा लेंगे। उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू पट्टा जो है उसके दो कॉर्ड लिए हैं और यहाँ से देखिए अंदर से दो कॉर्ड आए हैं, उसे लेके मैं यहाँ पे सिंपल नॉट लगाऊंगी। ठीक उसी तरह यहाँ नीचे हम एक एक सिंपल नॉट लगाएंगे तो ये पूरा ये लेवल हो जाएगा। इसी तरह से ये जो यहाँ पे गैप होता है वहाँ पे ऐसे सिंपल नॉट लगाते हुए ये पूरा सर्कल हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नॉट लगाकर ये पूरा जो राउंड है वो कंप्लीट किया है। अब जो है हमें इसका दोनों साइड से साइड सेंटर निकालना है और ये देखिए इसका साइड सेंटर हुआ। अब जो है हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है। ये छोटी क्लच है इसलिए मैं यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाऊंगी वो कम बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे तीन नॉट लिए हैं, जो हमने सेंटर निकाला था उसके बगल वाला और दूसरे साइड वाला, ऐसे मिला के मैंने तीन यहाँ पे नॉट लिए हैं। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, उसके लिए मैं इसके नीचे दो नॉट लगाऊंगी। यहाँ लास्ट बीच में एक, ठीक इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम सेंटर निकाल लेंगे और इसके भी साइड से दो नॉट लेंगे और यहाँ पे भी ट्रायंगल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया था उसी तरह यहाँ पे भी बना के लिया है।
अब जो है ये मिडल वाली जो नॉट है वहाँ पे हमें दो लाइन तक सिंपल नॉट लगाने हैं, लेकिन एक एक साइड से एक एक कम करते हुए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल बनाया है उसके नीचे दो की लाइन और फिर एक की, ऐसे दो लाइन आई है, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी दो लाइन लगाने हैं। तो ये जो तीन का ट्रायंगल बनाया था उसका जो नॉट है उसे छोड़ते हुए ये जो नॉट है इनमें जो पहला नॉट है इसके बीच वाले पहला और उसके बगल वाला जो है उसके बीच में फिर से हम नॉट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड मैंने इसे उल्टा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल बना है वहाँ पे ये देखिए ये ट्रायंगल के कॉर्ड है और ये जो लाइन हमारी नॉट लगाई हुई थी उसकी ये कॉर्ड है, तो यहाँ से दो कॉर्ड लेंगे और यहाँ से दो कॉर्ड और यहाँ पे सिंपल नॉट लगा देंगे। इसे छोड़ देंगे, उसके बाद और एक कॉर्ड छोड़ देंगे दोनों साइड से और उसके बाद वाला जो कॉर्ड है उसे लेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरे साइड से भी नॉट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोने थे वो मैंने नॉट लगा लिए हैं। अब जो ये स्ट्रेट लाइन जो होती है वहाँ पे हमें नॉट लगाने हैं, तो एक नॉट लगाएंगे और एक एक दो दो कॉर्ड छोड़ देंगे दोनों साइड से, एक कॉर्ड छोड़ देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसे ट्रायंगल लेते हुए स्ट्रेट, फिर यहाँ पे ट्रायंगल, इस तरह से मैंने ये अटैच किया है जो एंडिंग है, और जैसे कि हमने कॉर्ड छोड़े थे उसे लेके मैंने फिर से वही प्रोसीजर रिपीट की है। अब जो है हम इसे कट कर देंगे। आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये डिटेल में दिखाया है कि ये किस तरह से करते हैं। ये जो एंडिंग है इसकी ये किस तरह से की है वो मैंने डिटेल में दिखाया है बैक की वीडियो में। तो मैंने इसे कट कर लिया। आप चाहे तो इसे स्टिक कर सकते हैं या फिर जलाकर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है इनर आ जाएगी तो ये सब हाइड हो जाएगा। मैं हाथ से कर रही हूँ, लेकिन प्लीज आप इसे हाथ से मत कीजिए, ये मुझे आदत है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। देखिए ये स्टिकी हुआ सब अंदर चला गया है, इसे मैंने सीधा कर लिया। तो ये हमारी क्लच बन के रेडी है। अभी हमें इसे अंदर से इनर लगानी है। तो देखिए मैंने इसका इनर पॉकेट रेडी कर लिया है। अब हम इसे इसके अंदर डाल के स्टिच कर लेंगे। ये बैग हमारी जो क्लच जो हमारी है वो ऑलरेडी कलरफुल है, इसलिए आप इसे स्टिच करने के लिए कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइट पिंक कलर लिया है। हम इसे सुई और धागे की मदद से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि ये जो हम मतलब सुई धागे से इस इनर को बैग से अटैच करते हैं, तब आप इसकी स्टिच जो है 2-3 बार अच्छे से डालिए। उससे क्या होता है कि ये जिप जो होती है ये अच्छे से मूव करने लगती है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्लच बन के रेडी है। आप यहाँ पे देख, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा या नहीं पता नहीं, यहाँ पे देखिए जो जॉइंट्स है इस तरह से ये ऊपर आते हैं। तो मैंने ये आपको वेस्टेज से सिखाया है, लेकिन अगर आपके पास बड़े बड़े वेस्टेज हो या मतलब आधा मीटर या 1.25 मीटर 1 मीटर के, तो ही आप इसे अटैच करके बनाइए, क्योंकि ज़्यादा छोटे छोटे अगर टुकड़े होंगे तो इसकी जो ये डिज़ाइन है इसमें इस तरह से दिखने लगेंगे और डिज़ाइन बहुत मतलब गंदी लगेगी। इसलिए थोड़े मोटे लंबे जो होते हैं कॉर्ड उसे लेके आप इसे बनाइए। तो इस तरह से ये हमारा क्लच बन के रेडी है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्लच का वीडियो जो हमने वेस्टेज माइक्रेम से बनाया है। आई होप आपसे भी को अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।